Hello friends, welcome again our learn and earn WordPress tutorial series for the beginner. आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू क्रिएट ए न्यू पेजेस इन WordPress. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको लगातार पूरा देखिए. इस वीडियो में कैसा है कि आपको यहाँ पर कुछ सोचना पड़ता है, यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स लेना है, कुछ डिसीजंस लेना है कि आपका वेबसाइट के अंदर क्या होना चाहिए, कितने पेजेस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. सो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा है जिसको मैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप आपकी वेबसाइट बनाएं और किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर प्रैक्टिकली उसको ऐड करें. वर्डप्रेस के अंदर यू कैन क्रिएट पेजेस इन वर्डप्रेस सच एज होम पेज. आपको रिक्वायरमेंट रहता है अबाउट आवर सर्विसेज कॉन्टैक्ट विच आर सेपरेट फ्रॉम द ब्लॉग कंटेंट. तो फ्रेंड्स, जब भी आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, वेदर ब्लॉग बनाएं या कोई और चीज़ बनाएं, आप किसी भी टाइप का वेबसाइट बनाएं, तो आपको ये चार पेजेस की कंपलसरी रिक्वायरमेंट रहते ही है, लगते ही है. हर वेबसाइट में होम पेज होता है, आपने देखा होगा कि होम पेज नेसेसरी है, सारी वेबसाइट में होम पेज आपको रहेगा रहेगा. उसके अलावा अबाउट अस है, वो भी पेज रहता ही रहता है. तो ये पेज रहते हैं, इसलिए हमें पेज क्रिएट करना पड़ते हैं. अगर आप किसी की कमर्शियल वेबसाइट बना रहे हैं या आपकी खुद की कमर्शियल वेबसाइट है, उसके अंदर सर्विस का पार्ट है, तो आप सर्विसेज यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्टैक्ट पेज आपकी वेबसाइट में होता ही है ताकि आपका लोग कॉन्टैक्ट करें आपसे इस कॉन्टैक्ट पेज के थ्रू. सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें. अभी हम चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर एंड देखेंगे कि किस तरह से हम ये पेजेस को बनाएंगे. सो फ्रेंड्स, ये डैशबोर्ड के ऊपर आप आ चुके हैं वर्डप्रेस के. यहाँ पर आप देखेंगे कि पेजेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पर ऑल पेजेस हैं और ऐड न्यू है. सो फर्स्ट आप ऑल पेजेस पर क्लिक कर लीजिए, मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पर कोई भी पेज है या नहीं है. सो यहाँ पर हम देखते हैं ये दो डिफॉल्ट पेज क्रिएट होते हैं वर्डप्रेस की तरफ से, प्राइवेसी पॉलिसी जो कि ड्राफ्ट में रहता है एंड सैम्पल पेज. सो आप इन दोनों पेजेस को डिलीट कर दीजिए, इसका हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. और ऊपर आप देख रहे होंगे एड न्यू. सो सबसे पहले आप एड न्यू पे क्लिक करिए. एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप होम पेज सबसे पहले क्रिएट करिए. आपने ऊपर होम टाइप किया, नीचे भी आपको होम टाइप कर दीजिए, या फिर होम पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना है वो हम यहाँ पर टाइप करके दे सकते हैं. एंड इसके बाद आपको करना है पब्लिश. यहाँ से आपको इसके अलावा कुछ भी सेट नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये पेज आपका पब्लिश हो गया. सिमिलर वे में अभी आप वापस से ऊपर एड न्यू पे क्लिक करिए. अभी हम पेजेस बना लेते हैं जल्दी जल्दी. सो फ्रेंड्स, आप नोटिस कर रहे होंगे हमने परमा लिंक्स जो चेंज किया था, वहां पर परमा लिंक्स किस तरह से दिखा रहा है. ये अबाउट अस का परमा लिंक्स है. यहाँ पर जो अबाउट अस मैंने लिखा है वो खाली एक आइडेंटिफाई के लिए है कि जब हम वेबसाइट को व्यू करेंगे तो वहां पर पर्टिकुलर पेज पे वो डिफाइन हो और वो टाइटल हमें दिख सके. इसके अलावा हम एक और पेज बना लेते हैं सर्विसेज, और इस पर भी लिख देते हैं और सर्विसेज. सो ये हमने चार पेज यहाँ पर बना लिए, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस. सो लेट्स, इस अगर पेज को आप यहाँ से क्लिक करेंगे या फिर व्यू पेज यहाँ से भी क्लिक करेंगे, मेक श्योर कि आप न्यू टैब में करें. सो ओपन इन न्यू टैब. सो यहाँ पर ये पेज विजिबल हो जाएगा. देखिए यहाँ पर जो हमारा हेडिंग था वो कॉन्टेक्ट अस आ गया, और जो हमने कॉन्टेक्ट अस नीचे बॉडी के पार्ट में लिखा था वो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर आ गया. इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारा टॉप पर एक मेनू बन चुका है जिसमें लिखा है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, सर्विसेज. तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो किस तरह से आ रहा है, इस तरह से तो वेबसाइट में होता नहीं है. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेनू कहलाता है. इसको किस तरह से हम सेट करेंगे, स्टेप बाई स्टेप, आपको होम पहले रखना है, फिर अबाउट अस रखना है, फिर सर्विसेज रखना है, फिर कॉन्टेक्ट अस रखना है, वो किस तरह से ऑर्डर को अरेंज करते हैं, ये भी हम यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे. सो इसके रिलेटेड अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. हैव ए नाइस डे. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय.